पिथौरागढ़ चित्रकूट वन विभाग के अधिकारियों की खुली पोल, जिसमें वृक्षारोपण में भारी अनियमितता देखने को मिली। यह मामला वन विभाग कार्यालय रेंज बड़गढ़ द्वारा नेशनल हाईवे 35 राष्ट्रीय राजमार्ग झांसी मिर्जापुर सड़क किनारे वर्ष 2020 में मऊ तहसील से लेकर मुरका बॉर्डर तक कराया गया तथा उनके सुरक्षा में लगाए गए पीला जो घटिया सामग्री से बनाए गए वह भी पूरी तरह ध्वस्त हो गए। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का एक अभियान चलाया, लेकिन जनपद चित्रकूट उस अभियान में अपनी बैठक जा रहा है। जहां का पर्यावरण कब सबछेगा? अधिकारियों की मिलीभगत से अनियमितता ही अनियमितता दिखाई देता है, जो इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट देखा जा सकता है। जनपद चित्रकूट के वन विभाग के आला अधिकारी का भी ध्यान इस भगदड़ रेंज की ओर दिलाना है कि और रूपा का कार्य जुलाई और अगस्त माह के मध्य में कराया जाना चाहिए, किंतु यह वृक्षारोपण का कार्य बरगद द्वारा मार्च महीने में कराया जा रहा है। कहीं पर भी पेड़ों का नामो निशान भी नहीं है। अब देखना यह है कि भ्रष्टाचार की पूरी कहां पर घूम रही है। यह तो जांच का विषय है और जांच के बाद ही पता चलेगा जिसमें कौन कौन दोषी है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज टीम में जब अपने रिपोर्टरों के साथ पहुंची को देखा तो सड़क के किनारे जो भी पौधारोपण कराए गए उनमें फर्जी नहीं है। जनपद चित्रकूट के वन विभाग के उच्च अधिकारी अब इस पर क्या अमल करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में शामिल डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो विजय गुप्ता, मऊ ब्यूरो रोहिणी कुमार, ब्लॉक रिपोर्टर बद्री विशाल, मऊ रिपोर्टर दिनेश द्विवेदी, बर्गर रिपोर्टर राज विपिन, हरिपुरा रिपोर्टर ब्लॉक रिपोर्टर बद्री विशाल के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट।